मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मेसी पॉइंट चैनल को और आपका स्वागत है आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जो आज की वीडियो है वो आपके इस टॉपिक पर होने वाली है कि जो आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है वो किस तरह होता है। तो मैं आज आपको डिप्लोमा फार्मेसी का एडमिट कार्ड दिखाने वाला हूँ जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा स्टूडेंट को एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो ये एडमिट कार्ड बेसिकली मेरा एडमिट कार्ड था, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होता है और फिर से आपका यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। तो जो आपको एग्ज़ाम में कॉपी दी जाती है वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, न कि एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम कॉपी आएगी उसमें आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जहाँ पर आपका सेंटर क्या होता है वहाँ का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर डिटेल। तो मेरा सेंटर जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तरबगंज गोंडा में गया था। तो ये आपका सेंटर डिटेल लिखा रहता है। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल होती है, तो इसमें आपका नेम लिखा रहता है, फादर नेम लिखा रहता है। उसके बाद आपके कॉलेज का नेम लिखा होता है, उसके बाद ब्रांच कोड लिखा होता है और आपका सेमेस्टर ईयर लिखा होता है। तो यहाँ मेरा फाइनल ईयर लिखा हुआ है। तो इस तरह आपका एडमिट कार्ड होता है और आपको प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड सेल। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसको आप अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लेंगे, उसके बाद अपने कॉलेज का स्टाम्प लगवा लेंगे और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर भी बना लेंगे। बाकी सब इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। और ये मेरा जो एग्ज़ाम है वो कोरोना के समय हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑन कोविड-19। तो ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। इसके साथ एक वेरीफिकेशन फॉर्म भी निकलता है, तो आप उसको भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और आपको अपना एडमिट कार्ड और आपका वेरिफिकेशन कार्ड दोनों अपने पास रखना होता है। लेकिन मेन जो होता है वो आपका एडमिट कार्ड ही होता है। तो इस तरह का कुछ आपके पास एडमिट कार्ड आता है, तो ये आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उससे 2-4 दिन पहले बेटी यूपी के जो उसका ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होता है और वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करके और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।